अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपीएन न्यूज़ के अंदर, और एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपके सामने डॉक्टर नौहेरा शेख की अपडेट को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 5 जनवरी की जो डेट मिली है वो भी कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव डेट है, ठीक है, वो भी जो है आगे पीछे हो सकती है। इससे पहले जो डेट मिली थी वो 4 दिसंबर की थी, और उससे पहले जज ने जो कहा था कि इस केस को हम जो है मिसलेनियस डे के ऊपर सुनेंगे। तो 4 दिसंबर को फ्राइडे मिसलेनियस डे था, लेकिन संजय किशन कॉल की बेंच नहीं थी, इसके लिए ये डेट जो है आगे बढ़ गई। ये डेट फरवरी की चली गई थी, फिर बाद में ये वापस से जो है बदल के 9 जनवरी हुई, फिर 9 जनवरी से बदल के फिर 5 जनवरी पे अब आके ये दिखा रही है। ये डेट जो है, ये केस जो है वो संजय किशन कौल साहब जज जो है उन्होंने कहा था कि ये मिसलेनियस डे के ऊपर मैं सुनूंगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछा कि आपा के लॉयर ने सर्कुलेशन डाला 4 दिसंबर के बाद, फौरन ही 4 दिसंबर को शायद फौरन ही आपा के लॉयर ने सर्कुलेशन डाल दिए थे कि हमको नज़दीकी डेट चाहिए, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने 2 वीक्स का टाइम मांगा था और 2 वीक्स का टाइम हो चुका है, तो हमको जल्द से जल्द नज़दीकी डेट चाहिए, ठीक है, ये हुआ था। लेकिन डेट नज़दीकी नहीं मिली, और 14 से लेके 19 तक के पूरा हफ्ता जो था वो मिसलेनियस वीक था, यानी कि 14 से लेके 19 तक के अंदर कभी भी ये डेट मिल सकती थी इनको। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपने सर्कुलेशन तो डाल दिया, सर्कुलर डाल दिया, ठीक है, आपा के लॉयर ने, लेकिन उनको इंटीमेशन करना है रिस्पोंडेंट को, इंटीमेशन करना है रिस्पोंडेंट को, और फिर इंटीमेशन करने के बाद इनको रजिस्ट्रार को जाके कॉपी सबमिट करना है, और फिर रजिस्ट्रार से डेट लेनी है, डेट मेंशन करनी है, और डेट वो खुद से ही मेंशन हो जाती है रजिस्ट्रार के पास। तो वहाँ ये चुप गए आपा के लॉयर, जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ, अभी नेगेटिव जावे या पॉजिटिव जावे, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, एक पत्रकार का सही अपडेट देना, ऑथेंटिक अपडेट देना, वो मैं आपको दे रहा हूँ। सर्कुलेशन डाले, वेल एंड गुड, आपा के लॉयर ने 4 दिसंबर को नज़दीकी डेट लेने के लिए, लेकिन इंटीमेशन नहीं किए रिस्पोंडेंट को, इंटीमेशन करना पड़ता है रिस्पोंडेंट को कि हम आपको ये इत्तला दे रहे हैं कि हमको नज़दीकी डेट चाहिए, और फिर रजिस्ट्रार को जाके बताना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार जो है 14 से लेके 19 जो मिसलेनियस वीक था उसके अंदर हमारी डेट आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डेट जो है आगे चली गई। अब आते हैं, बहुत ही अहम खबर है, ये खबर जरूर सुनिएगा। देखेंगे आप अपने स्क्रीन के ऊपर, एक भाईजान का मुझे कल फोन आया, उनका नाम है मुदस्सिर, वो कल्याण के रहने वाले हैं। इसके बाद मैं उनकी और मेरी कॉन्वर्जेशन भी बता दूंगा, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि नुमान भाई हवा में बात कर रहा है, फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ कभी बोलते नहीं ना, कभी ये करते हैं। तो मेल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये मेल उनको आया है SFIO हैदराबाद से, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर है, और देख सकते हैं आप, टू मुदस्सरुस @gmail.com, यानी कि वो मुदस्सिर जो है उन्होंने अपना जो ईमेल है वो इस तरीके से बनाया है, और मेल की जो CC है वो प्रसाद अडल्ली की है, जो उनके आगे उनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है @government.in। अब मैं बताता हूँ कि इस चीज़ में है क्या, इट इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट MCA इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स कंफर्ड अंडर सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 असाइंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ 14 हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वाइड ऑर्डर 27 मार्च 2018 को जो इन्वेस्टिगेशन असाइन की गई थी इसके बारे में सीरियस फ्रॉड पोस्टर, यानी कि 27 मार्च 2018 को ही सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, अभी फिलहाल बीच में जो ऑर्डर पास हुआ था ना, ठीक है, तो उसके अंदर जज ने क्या कहा आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया था कि इनकी 14 कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन मांगा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे
मैं बता देता हूँ, इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द डायरेक्टर SFIO designated team inspector under section 212 of the Companies Act 2013 to carry out the investigation into the affairs of 14 Hira group of companies. ठीक है, इनको जो ऑर्डर मिला है कोर्ट से इनकी 14 कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन का, तो यहाँ पे डायरेक्टर SFIO designated team inspector वही चाह रहे हैं बोलने का. उसके बाद आगे इनको जो मेल में मेंशन है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टीम हैज कम अक्रॉस दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज. यानी के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, यानी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको पता चला कि ये जो मुदस्सिर है, जो कल्याण के रहने वाले हैं, इन्होंने हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट किया है. For the purpose of investigation, you are requested to furnish the details of investment, mode of investment, and along with copies of the bank statements and certificates issued by Hira Group of Companies, your address, email ID, mobile number towards your investment to the following address. ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर है. इनको अपना इन्वेस्टमेंट, कॉपीज ऑफ बैंक स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट, उनका एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उनको इस एड्रेस पे भेजना है. द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, रीजनल ऑफिस सर्वे नंबर 127, फोर्थ फ्लोर, कॉरपोरेट भवन, टाइटन आराम विलेज, बंदलागुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट. विथ रिगार्ड्स इन्वेस्टिगेशन टीम SFIO RO हैदराबाद. ठीक है, तो ये थी मेरी अपडेट. अभी मैं कुछ बोलना चाहूँगा, मैं सारे इन्वेस्टरों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो है गाली गलौज जो दी जा रही है, तो मैंने भी उसमें गाली गलौज पलट के दे दिया हूँ. फ़ोन के ऊपर बाबू साबिर जो आज़मगढ़ का है, उसने मुझे फ़ोन पे गाली गलौज दी है, तो पलट के मैंने भी दे दी. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और मुझे उसका कॉल ही रिसीव करना नहीं चाहिए था. और जो नरगिस शेख है, नरगिस जो है जो अंधेरी पे भाजी तरकारी बेचती है, फल फ्रूट, वो भी बहुत किस्म की गालियां दे रही है. तो ऐसे लोग हैं, इन लोगों को प्लीज़ आप लोग भी और मैं भी, मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ना मेरे को ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं ताकि मैं ये केस छोड़ दूँ, मैं ये केस से हट जाऊँ, और फिर आपको सही अपडेट नहीं मिलेगी मेरी तरफ से. अगर मैं हट गया तो आप जानते क्या होगा. ठीक है, इसके लिए ये लोग मुझे तंजिया बातें कर रहे हैं और तंज कर रहे हैं और गाली गलौज दे रहे हैं. और नरगिस, तुमने जो कहा ना कि शहनान तुम लोग को समझ गया और इसके लिए तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, अल्लाह है ना, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, शहनान को मैंने बोला कि शहबाज खान से बात करना बंद कर दे. किससे? शहबाज खान से बात करना बंद कर दे. इसके गवाह भी है, दो जन गवाह है मेरे पास कॉन्फ्रेंस के ऊपर. मैंने बोला उसको, शहनान को, कि शहबाज खान से बात करना बंद कर दे अगर हमारे साथ रहना है तो. तो इसके लिए उसने सबके कॉल बंद कर दिया, हमारे से बातचीत करना बंद कर दिया. ठीक है, अल्लाह की कसम खा के मैंने बोल दिया ये चीज़, तो क्लियर हो गई. तो इसको, उसको, किसको भी है ना हमारे साथ में, ऐसा जोड़ के ये मत बोलो कि तुम लोग गलत हो, तुम्हारा इसके लिए इसने साथ छोड़ दिया, उसने, वो खुद गलत है. इसके लिए हमने उसको बोला ये चीज़ करने के लिए, शहबाज खान से बात नहीं करने के लिए, उसका साथ छोड़ने के लिए, इसके लिए उसने साथ छोड़ दिया. और ऐसे लोग हमको चाहिए भी नहीं, ऐसे डोगले लोग हमको चाहिए भी नहीं, जो इधर की उधर करते हैं, फितरेबाजी करते हैं, वहाँ का ऑडियो इधर भेजते हैं, यहाँ का ऑडियो उधर भेजते हैं, समझे. और अल्लाह है ना तुमको तौफीक दे, हिदायत दे, कि है ना आप अपनी गाली गलौज बंद कर दो. नरगिस और बाबू साबिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, और सारे इन्वेस्टरों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनिए भी रहा. तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मेरी गाली अच्छी नहीं लगी, जिन लोग मेरे को गाली नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो फ़ोन के ऊपर उसने पहले गाली की शुरुआत की बाबू साबिर ने. आप सुनेंगे, पहले बाबू साबिर ने गाली दिया, तो उस टाइम पर मेरा भी माइंड डिस्टर्ब था, तो मैंने भी पलट के फिर गालियाँ दे दिया. तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत से लोगों ने कहा भी कि नुमान भाई तुम्हारा ये लेवल नहीं है, तुम अपना क्लास देखो,
क्या क्लास के आदमी हो तुम, बाबू साहब भी तो है ही वैसा आदमी, शुरू से वो सबको गालियाँ ही बकते आ रहा है, तो तुम्हारा लेवल और उसका लेवल मैच नहीं करता है, उसका क्लास और तुम्हारा क्लास मैच नहीं करता है, ठीक है। तो यही वजह से मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग मेरी गाली सुन के मतलब उनको अच्छा फील नहीं हुआ, और मैं इन फ्यूचर ये चीज़ करूँगा भी नहीं, ठीक है। और जो मुदस्सिर है, जिनको ये मेल आया है, उनकी कॉन्वर्जेशन आप सुनिए। सलाम अलैकुम। सलाम। नुमान भाई बोल रहे हैं? नुमान भाई, मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझे पूछना था, ये अभी जो मुझे एक्चुअली मेल रिसीव हुआ था तेलंगाना फ्रॉड कमीशन से, जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, हाँ उधर से, तो लोग ने मेंशन किया था कि तुम्हारे जो डॉक्टर है पेमेंट प्रूफ और सर्टिफिकेट, इसका कॉपी हमारे कुरियर करो। तो मतलब कहाँ से आया आपको मेल? मेल मुझे आया हैदराबाद SFIO से। आप कंप्लेनर हो? नहीं, मैं कंप्लेनर नहीं हूँ। आपको कैसा आया ईमेल? ये आई थिंक ना, लोग को जो हुआ हीरा गोल्ड का हार्ड डिस्क लेके गए, तो उन सबको मेल शूट किया ये मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ, तो ये लास्ट मंथ आया मैं। तो आपने कंफर्मेशन किया कि आपको वहीं से आया? मेरी मैंने चेक किया तो मेल आईडी करेक्ट था उसमें। करेक्ट था? हाँ। तो क्या क्या है वो ईमेल में? उसमें सिंपली मेंशन किया है क्या तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है हीरा गोल्ड के और पेमेंट प्रूफ, ये आप अटैच करके हमारे को मेंशन किए हुए एड्रेस पे भेज दो। तो एड्रेस जो था वो हैदराबाद के SFIO का एड्रेस था। हैदराबाद के SFIO का था? हैदराबाद के SFIO का है, तो आपके घर से नजदीक है वो एड्रेस? नहीं, मैं कल्याण में रहता हूँ भाई। इधर रहते हो? कल्याण में? हाँ। अरे तो कल्याण में आप रहते हो तो SFIO आपको क्यों भेजेगा? जो तेलंगाना स्टेट का जो ऑर्डर है ना, हाँ जी, तो वो ऑर्डर SFIO को गया है, तो ये महाराष्ट्र का कुछ भी SFIO को नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, ये लोग ने जो अभी लास्ट टाइम जो लोग ने 4 times डिमांड किया था तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है वो अमाउंट शो करो, करेक्ट? आपके जैसे न्यूज में रेफर कर रहा हूँ, तो इन्होंने डील किया इसके अंदर, करेक्ट? ये लोग ने क्या किया, क्या अपने साइड से सबको मेल शूट कर दिया जो जो मेल आईडी उनके पास थे, उनके साइड से जो जो डेटा उनको रिसीव होगा, कुरियर रिसीव होगा, वो हिसाब से लोग कैलकुलेशन करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऑलरेडी डेटा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। अच्छा, ये मेल कैसे दे रहे हो? मुझे एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये फोन किया, अभी आपने एक वीडियो ये किया था, भेजो ना आप, मेल भेजो ना जरा जी। आपका मेल आईडी मिल सकता है मुझे? मेल आईडी ये व्हाट्सएप पे भेज दो ना। क्यों? व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं आपको। वो ईमेल है ना, उसका स्क्रीन शॉट लेके आप व्हाट्सएप कर दो। नहीं, मैं आपको मेल ही फॉरवर्ड कर दूँ, उसके अंदर आपको लिंक भी मिलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, लिंक के अंदर करेक्ट भेजो। तो आपका मेल आईडी मुझे मिल सकता है? मेल आईडी का लिखिए, हाँ बोलिए, NUMAN नोमन ना, NUMAN MAN हाँ, MAN नोमन, हाँ N, हाँ लास्ट में N, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ QU Q for King, U for United, R A Y S H triple 4 4 times 4 4 times 4 gmail.com okay। और एक सेकेंड, जैसे अपना नॉर्मल कम्युनिकेशन से बोल रहा हूँ मैं आपको, एक मैंने ऐसे एक मेरा कोई फ्रेंड है इसमें एक जॉब कर देते आपका तोहित ज्वेलर्स में, इधर जॉब करते थे तोहित ज्वेलर्स जो है ना, तोही अभी फेमस है, तोहित फेमस ज्वेलर्स है। अच्छा अच्छा, नामचीन ज्वेलर्स है। तो उनसे मैंने एक डिस्कस किया, मैंने लाइक हीरा गोल्ड का क्या मैटर था, कुछ आपको पता चला इसके बारे में?
तो उन्होंने बोला कि जब हम किसी लोगों से भी डिस्कस करेंगे तो बोले ये पुलिस एक हो सकते है, फ्रॉड सकते है, बहुत बड़ा फ्रॉड था कि बैक एंड में कोई ऑडी में फ्रंट में ही है नोएडा से के। अच्छा ऐसा मुझे सुनने को आया, तो मुझे ये बात किसी को नहीं बताया अभी तक, जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप इस सारी चीज के अंदर काफी क्लोज हो। तो क्या बोला नोएडा से? उन्होंने क्या बताया, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है लोग के, नोएडा शायद एक जस्ट एक फ्रंट पेज है, फ्रंट फेस है, बैक एंड में बहुत सारे जन है उसके और कोई और जन है जो सारी चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा मैं सुनने गया था। मैंने जब सुना तो शॉक लगा, मैं ये हो सकता है, माइट बी पॉसिबल है, हो सकता है, और अपन भी नहीं कर सकते इसमें। हाँ ये बात सही है, लेकिन उनको इतना कैसा इन्फॉर्मेशन है? एक्चुअली लोग का भी कैसा, ये तो एक जगह से फेमस चल रहा है, तो इनके भी काफी सारे शॉप्स है इंडिया में, ये भी जो गोल्ड जो है बाहर से लेते, दुबई से लोग ऑर्डर करते हैं। हाँ हाँ वो तो पता है कभी। हाँ तो ये लोग का भी जो सेट है वो भी दुबई में जाता है, तो ये सब बड़े बड़े जितने भी कॉन्टेक्ट में रहते रहते हैं, किधर किधर एक चेयर के ऊपर लोग का मीटिंग होता ही होता है। तो हाँ तो किधर ना किधर उसको भी तो लिंक मिला ही रहेगा ना, इतना बड़ा मुसलमान का फ्रॉड हुआ है, बराबर है, तो काफी बड़ी हॉट न्यूज है ये, तो और बड़ी टाइटल है, तो वो हिसाब से मैंने पूछा था उसको, उन्होंने ये ऐसा ऐसा है, तो फिर मैं चुप बैठ गया। आपका नाम क्या बताए? मेरा मुदस्सर है, मुदस्सर कल्याण से। मैं सेव कर लेता आपका नंबर जी, डीएससी भी हूँ इसका, तो वही सबसे हो सकता है डीएससी में इसके अंदर। अच्छा डीएससी जो जितने भी, हाँ तो वही सबसे हो सकता है कि मेल आई डी मेरा उनके पास डीएससी रहेगा, तो वही सबसे शूट किया जाएंगे। चलो देखता हूँ मैं, लेकिन ऐसे पाइयो वो यहाँ महाराष्ट्र में तो है नहीं, लागू नहीं किया है केस जो है, तेलंगाना के सारे केसेस जो है ऐसे पाइयो को तो अपने बोला है। अच्छा तो हैदराबाद उनका हेडक्वार्टर है ना, हैदराबाद भी आ गया ना तेलंगाना में। हाँ वही तो, उनका हेडक्वार्टर तो हैदराबाद ही रहेगा, एड्रेस तो देंगे तो हैदराबाद के ही रहेंगे, तो करेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान। ओके मैं ना सेव कर लेता आपका नंबर। ओके।